वालेकुम, मैं आपका दोस्त आपका कोच एहसन आजम। आज हमारा बिगनर्स का लास्ट वर्कआउट है, थाइस का वर्कआउट। इसके बाद हमारी बनेगी वीडियो इंटरमीडिएट की। तो ये वाली वीडियो जो बिगनर्स की, इनको आगे किस तरह लेके चलना है, ये भी वीडियो मैं इंटरमीडिएट वीडियो के बाद बनाऊंगा। पहले इंटरमीडिएट वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद फिर ये, और इंशाल्लाह ये आगे बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो आपके लिए। तो मेरी कोशिश किया करें कि वीडियो को पूरा देखा करें। तो नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप ही अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो हमारे भी एफर्ट का हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो ये भाई आप सबकी वजह से होगा। तो अभी हम वर्कआउट एरिए में आपको लिए चलते हैं फिजान के साथ। फिजान का आखिरी लास्ट वर्कआउट, बिगनर्स का थाइस का वर्कआउट करवाने लगे। और हाँ, एक और बात बताता चलूं कि अपने कोच को आप, यानी कि जो भी बिगनर्स वर्कआउट के लिए जाते हैं जिम में, तो वो अपना हफ्ते में दो या तीन दिन जो है पेट का वर्कआउट भी साथ किया करें। तो वो भी आपका कोच आपको जिम में बताएगा। तो पेट का वर्कआउट वो आगे इंटरमीडिएट और उसमें तो हम डालेंगे, तो उसमें से भी आप देख सकते हैं। तो अब आपको वर्कआउट एरिया में लिए चलते हैं, तो थाइस का वर्कआउट स्टार्ट करने लगे। चलिए, हाँ जी, वर्कआउट एरिया में हम आ चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट जो है, हमारा जो वर्कआउट है थाइस का, इसमें हम पहले सिटअप से स्टार्ट करेंगे। तो उनकी बैठक ये हमारी होगी, थोड़े से पाव हमने बी शेप में रखने हैं, ठीक है, कमर सीधी रखनी है और ये नीचे गए ऊपर, ठीक है। इस तरह के सेटअप हमने बिगनर्स को 10 से 15 रैप्स करवाने हैं, इसके 3 सेट होंगे। चले फिर आप स्टार्ट करें, ठीक है, गुड। अब थोड़ा सा मुड़के, ठीक है, कमर सीधी रखनी है। तो इस चीज का ये आपने ख्याल करना है कि आपकी कमर पीछे सीधी होनी चाहिए। हमारे 3 सेट होने के बाद अब हम सेटअप के 3 सेट होने के बाद अब हम करने लगे हैं स्क्वाट। तो स्क्वाट जो है ना, हमने बिगनर्स के लिए वेट तो डालना नहीं है, खाली रॉड भी कम से कम 8-10 केजी का है। तो ये फिजान उठाओ, ये स्क्वाट लगानी है, ठीक है, ये एंगल बनेगा। वैसे पाओ वी शेप में रखने हैं और नीचे जाना है, कमर सीधी, सारा ओके, डन, जबरदस्त। इसके भी हमने कम से कम 12 से 15 रैप करने हैं, 3 सेट होंगे इसके। और इसकी एक और मेन चीज, मेन बात मैं बता दूं कि जब भी आप वर्कआउट करने लगे तो इसके लिए बेल्ट जरूर पहने। इसमें लोअर बैक का पेन होने का खतरा होता है, क्योंकि वेट उठाया होता है। खैर, अभी तो फिजान ने वेट नहीं डाला हुआ, तो नेक्स्ट वर्कआउट में जब हम दिखाएंगे तो उसमें बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है, वेट के साथ। हाँ जी, नेक्स्ट वर्कआउट हमारा है जी लेग एक्सटेंशन। तो इसमें हमारे पास लोकेशन इस तरह की है कि वो पीछे से रोशनी आ रही है, जिसकी वजह से सही नजर नहीं आ रहा था, तो कैम को हाथ में उठाना पड़ा है। तो हाँ फिजान, 2 प्लेटें लगाओ आप इसमें। हाँ, तो बिगनर्स के लिए 2 प्लेटें इनफ है। तो ये डायरेक्शन आपकी, कमर सीधी, बैक टेक लगा के रखें आप, ठीक है, स्लो स्लो। इसके भी हमने 12 से 15 रहे, ठीक है, ये हमारे चलेंगे ऐसे ही। ये बाद में जब मैं इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल वीडियोस में मैं आपको इनके कौन कौन से मसल को हिट हो रहा है तो ये मैं बताऊंगा सारा, ठीक है। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है लंजिस। तो लंजिस में हमारा ये एक पाँव आगे ऐसे और ये दूसरा पाँव घूमते हैं, घुटना जमीन तक जाएगा, फिर वापिस, फिर ये पाँव घुटना जमीन तक, ये वापिस, ये लंजिस है, इसे रिवर्स लंजिस कहते हैं। तो बिगनर्स के लिए बिल्कुल खाली वेट, कोई वेट नहीं उठाना। तो ये फिजान भाई इधर आ गए, इधर से करे आप पहले, ठीक है, चलो एक पाँव आगे एक पीछे,
थोड़ा सा खुला कदम चलना है आपने ऐसे, गुड। तो इसके कम से कम एक टांग के 8 से 10 रैप होने चाहिए। लेंजी नेक्स्ट वर्कआउट हमारा है लेग प्रेस। तो लेग प्रेस में पांव बीच में रखने हैं और इसमें मुख्तलिफ एंगल पे पांव रख के किस किस मसल को हिट होता है तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। चले फिलहाल बीच में रखें इसके इसके भी इसमें हमने सिर्फ 10 वाली प्लेट डाली है बिजनेस के लिए इनफ है। तो नेक्स्ट इसमें जो है वो फर्दर, तो अब हम इसके 10 से 12 रैप्स होते हैं। ये करते हुए आपकी हिप सीट से उठनी नहीं चाहिए, जब आप पांव नीचे ला रहे होते हैं तो इसको स्लो लेके जाना होता है, स्लो वापस लाना होता है, ठीक है। इसके 3 सेट। हाँ जी, तो हमारा थाइस का वर्कआउट बिगनर्स का मुकम्मल हो गया। हमारी बिगनर्स की क्लास जो है एक साइकिल बॉडी का राउंड मुकम्मल हो चुका है। तो नेक्स्ट हम इंटरमीडिएट के बाद बनाएंगे, इसको हमने बढ़ाना कैसे है, इंटरमीडिएट की तरफ लेके जाना कैसे है, और इसमें डाइट का थोड़ा बहुत भी बताएंगे कि वो भी जो है किस तरह इंटेक करनी है। इस तरह आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो बनने वाली है, इंशाल्लाह आगे मजा आएगा। उसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं एंगल्स और यूं समझ लें कि मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि किस तरह जो है वर्कआउट को, डाइट प्लान को और अपने रेस्ट को लेके चलना है। तो इंशाल्लाह मजा आएगा नेक्स्ट वीडियोज में। तो मिलते हैं अगली वीडियोज में। अस्सलाम वालेकुम।